हेलो चौधरी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आयु का सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी के, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम वो महत्वपूर्ण निबंध जो कि इस बार आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। आपको मैं मैक्सिमम 4 या 5 निबंध बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन, यानी आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी पूरा मिलेगा, ठीक है। और कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बट ये है कि कुछ बच्चों की डिमांड रहती है कि सर पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए, तो पीडीएफ के लिए आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, 15 रुपये 20 रुपये, ठीक है। एक एक पीडीएफ टोटल आपको, अगर मैं बताऊँ, हिंदी की 3 पीडीएफ है, ठीक है। पहली पीडीएफ जिसमें आपके जो आप सामने देख पा रहे हैं, इस पीडीएफ में हमने टोटल जो आपके क्वेश्चन कवर किए हैं इसमें आपके निबंध रहेंगे और इसके अलावा पत्र रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा और जो ग्रामर सेक्शन यानी रचनात्मक कार्य आता है वो आपका इस पीडीएफ में रहेगा। इसके अलावा दूसरी पीडीएफ जिसमें आपके दोनों किताबों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, काव्यखंड गद्यखंड हो गया, इसके अलावा दूसरी बुक उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, तीसरी जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, टोटल 3 पीडीएफ है। तीनों पीडीएफ वैसे तो आपको जब वेबसाइट पे जाएंगे 95 की शो होगी, बट आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने कूपन कोड अप्लाई कर देना है Composer30, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसमें सिर्फ हम आज के इस वीडियो में सिर्फ आपके महत्वपूर्ण निबंध डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे इन पीडीएफ लेकर इनको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो अब कैसे पीडीएफ लेनी है उसके लिए देखो, सिंपली आपने गूगल में आ जाना है, कंपोसर सर्च कर लेना है। कंपोसर सर्च करने के बाद आपके सामने फर्स्ट नंबर पर हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखो, आपको जो वेबसाइट पर क्लिक करेंगे होम पेज कुछ ऐसे शो होगा आपको, तो थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, आपको Top 30 क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चले जाना है। नेक्स्ट पेज पर जो आपका Top 30 पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आएगा, क्लास सेलेक्ट करने का आएगा। क्लास 12 सेलेक्ट करके आपके सामने सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। हिंदी पर क्लिक कर लेना है। हिंदी पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको तीनों पीडीएफ एक साथ देखने को मिलेगी। आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको तीनों पीडीएफ शो हो रही है, 40, 30, 25, तीनों को आपने एड टू कार्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपका कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो टोटल देखो 95 की है जो पीडीएफ चार्जेस है, बट आपने कूपन कोड अप्लाई कर देना है Composer30, तो आपको लगभग 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको लगभग 66 रुपये में 66 में मिल जाएंगे। उसका नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट करने के बाद आपने यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद लास्ट यहाँ पर टिक करके आप प्लेस ऑर्डर कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट क्लिक कंप्लीट कर देंगे, आपको यहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसलिए यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, सिंपली आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाले, आपको जिस सब्जेक्ट की जो पीडीएफ चाहिए वो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस पर पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ आप अपने नंबर पर ले सकते हैं। तो वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर और महत्वपूर्ण निबंध जो हम बात करने वाले हैं। देखो आपके पेपर में निबंध 101% आता ही आता है और लगभग 8 से 10 नंबर का निबंध आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैंने जो कि इस बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैक्सिमम आपको 5 निबंध दे रहा हूँ। 5 इन्हीं को आपने तैयार कर लेना है और विद सॉल्यूशन भी है। आपको सिर्फ ये नहीं कि टॉपिक दे दिया आपने प्रिपेयर कर, हो सकता है कहीं ऐसे टॉपिक हो जो आपको इधर उधर ढूंढने पर ना मिले। फिर एक लिखने का तरीका जो आपको हिंट क्वेश्चन में मिल जाते हैं, तो कैसे आपने करना है। बाय चांस कैसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपको नहीं पता आप उसके बारे में क्या करें, तो क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाता है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में आपका संकेत बिंदु, आपको पेपर में संकेत बिंदु जरूर मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं संकेत बिंदु हो गया देश में जनसंख्या वृद्धि की दर और संसाधनों की कमी। तो पहला आपका देखो क्या रहता है कि जो जो आपको हेडिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपने निबंध लिखना स्टार्ट कर देना है। तो पहला जो देखो जो आपका महत्वपूर्ण निबंध है वो है भारत की बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या वृद्धि का संकट। ये प्रश्न देखो आपका 2022, 2013, 2016, 2018 में आ चुका है और आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराऊंगा। जो बच्चे अब तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी ये लेटेस्ट वीडियो आती है आपके एग्जाम के दौरान वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। आपको सारे सब्जेक्ट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। और पीडीएफ सारी जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले हैं सभी के लिए पीडीएफ अवेलेबल है वेबसाइट पर सभी सब्जेक्ट की। तो जो जो पीडीएफ आपको चाहिए आप व्हाट्सएप पर जरूर कॉन्टैक्ट करिए या फिर डायरेक्ट वेबसाइट से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे आपको पॉइंट बनाकर के दे दिए गए हैं वैसे आपको यहाँ पर नीचे लिखना है। तो जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं तो आराम से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको लेनी है तो मात्र आपको 15-20 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी जो भी आप देख रहे हैं। पहला आपका हो गया कम्प्लीट। सेकेंड जो आपका रहने वाला है वो है प्राकृतिक आपदा और उत्तराखंड। तो इस टॉपिक को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है 2014-19। अब इस बार ये प्रोबेबिलिटी है कि पूरी पूरी इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। तो इसमें देखो आपको हिंट दे दिए गए हैं, टोटल 4 संकेत बिंदु दिए हैं 4, तो इन्हीं पर आपने निबंध लिखना है। देखो पहला आपको दे रखा है प्राकृतिक आपदा से आशय, तो यहाँ पर आपने लिख दिया प्राकृतिक आपदा से आशय। उसका नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पर कौन कौन सी आपदा है प्रमुख, उसमें आपने देख लेना है, हेडिंग डाल दिया। फिर उसके अंदर आपने सब हेडिंग बना दी, भूकंप, बाढ़, फिर उसके बाद बादल फटना,
बिजली गिरना, भूस्खलन, हिमस्खलन, वनों की आग, आपदाओं के कारण, फिर सुरक्षा के उपाय। तो ये हो गया आपके, उसका नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है महत्वपूर्ण निबंध हुआ है मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन के लक्ष्य में देखो आपका 2013-18 इस बार पूरा पूरा चांस है कि ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिले। देखो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो पूरा एक कैलकुलेशन जो होती है क्वेश्चन की, कि हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी है या नहीं, तो सारे क्वेश्चन छाट करके आपके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो जरूर इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए और लगातार चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो मेरे जीवन का लक्ष्य, इसमें देखो आपको 5 संकेत बिंदु दिए हैं, जीवन में लक्ष्य का महत्व, मेरे जीवन का लक्ष्य, प्रेरणा स्रोत, लोकहित की भावना, लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी। भले ही आप अंदर कुछ लिख रहे हैं, बट ये जो हेडिंग आपको दे रखे हैं इन हेडिंग का यूज जरूर करना है, और उसके अंदर भले ही आप सब हेडिंग कुछ भी डालें, बट हेडिंग आपके बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। पहले देखो जीवन में लक्ष्य का महत्व आपने लिख दिया यहाँ पर 40 से 50 शब्द, फिर मेरे जीवन का लक्ष्य आ गया इस पर आपने लिख दिए। नेक्स्ट आपका प्रेरणा स्रोत है और इसमें आपने लगभग 70-80-100 के आसपास शब्द इसके अंदर है, फिर लोकहित की भावना। तो इस तरह से आपका ये पूरा देखो कवर हो जाता है। 200 से 250 शब्दों के बीच में आपको निबंध लिखना होता है, तो इसलिए आप बनाकर के ले सकते हैं जब आपको पॉइंट पता चल जाते हैं। दो निबंध आपके कंप्लीट हो गए हैं, पहला निबंध था आपका सॉरी दूसरा जो है वो है मेरे जीवन का लक्ष्य, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखा वो था हमारा प्राकृतिक आपदा और उत्तराखंड। सॉरी 3 निबंध आपके कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा था आपका भारत की जनसंख्या वृद्धि, एक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो था आपका प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड, 2, और उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया मेरे जीवन का लक्ष्य, 3। अब नेक्स्ट मैं आपको लेकर के चलता हूँ अगले नंबर 4 पर। अगला जो चौथा है वह है देश के उत्थान में युवाओं का योगदान अथवा राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका। तो इसमें आप देख रहे हैं प्रश्न प्रस्तावना आपने लिखनी है, युवा वर्ग और उसकी शक्ति, फिर छात्र असंतोष के कारण, राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान, फिर नेक्स्ट है आपका उपसंहार। उपसंहार में कि आपका पूरा निचोड़ क्या है निबंध का वो आ जाता है, प्रस्तावना में आपकी बेसिक डिटेल आ जाती है, जिस टॉपिक के बारे में आपको निबंध लिखना है वो टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी आपको देनी होती है, क्या कैसे ये सब आपको लिखना होता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट आपको दे रखा है बाकी की जो 3 अंदर हेडिंग हो जाएंगे उन पर आपने पूरा डिटेल में बना करके लिखना होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं वो तो इजिली फोन पे पढ़ सकते हैं इसको पूरा कंप्लीटली, बट जो नहीं बच्चे परचेस कर रहे हैं पीडीएफ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये आपका कंप्लीट, यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन सही दिया हुआ है, मैं सारे आपको क्वेश्चन जो भी दूंगा सभी में आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ठीक है। बट ये है कि अगर आप पीडीएफ परचेस कर लेते हो आपको और इजिली हो जाएगा इन सभी क्वेश्चन को आराम से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आपको लेकर के चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला है शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, या फिर शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप, अथवा फिर है शिक्षा एवं रोजगार, ठीक है। इसको आपने देख लेना, शिक्षा एवं रोजगार, अथवा निराश युवा पीढ़ी और समाधान। 22, 10, 17 में क्वेश्चन देखो आपका, देखो यही सेम निबंध है बट 3-4 बार ही आपको घुमा फिरा करके दिया गया है, तो इसको आपने देख लेना है। तो यहाँ पर आपको बिंदु दे दिए गए हैं, संकेत बिंदु हैं, बेरोजगारी और निराश युवा पीढ़ी, फिर है बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, निराश जन्य बेरोजगारी एक अभिशाप, बेरोजगारी के कारण रोजगार निराशा का एकमात्र समाधान, फिर है उपसंहार। तो यहाँ पे आपने देखो टॉपिक वाइज स्टार्ट करना है बेरोजगारी और निराशा, सॉरी बेरोजगारी और निराश युवा पीढ़ी, ये आपने देख लेना है, फिर बेरोजगारी का अर्थ, पॉइंट बाई पॉइंट आपको बना करके दिया गया। जब आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका निबंध जो था 200-250 शब्दों तक पहुंच गया है। सारे आपको देखो पॉइंट वाइज बना करके दे दिए गए हैं। तो मैंने आपको कहा था मैक्सिमम 5 निबंध देने हैं, तो ये आपके 5 निबंध लास्ट जो था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये उपसंहार है। अब उसके बाद एक और आपको मैं प्लस बोनस दे दे रहा हूँ, कमर तोड़ महंगाई, ठीक है, समस्या और समाधान। अगर आपके पास समय है तब आप इस निबंध को तैयार करिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। ये आपके लिए एक बोनस है कि 5 के साथ एक नेक्स्ट मिल गया 6, ठीक है। तो एक इसको आपने देख लेना है, तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको क्या कहा, निबंध कवर करा दिया, ठीक है। तो ये निबंध आपने देख लेना है, बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके ये जो आपके जन संचार या फिर संचार माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, ठीक है। तो उससे संबंधित हम जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बट ये है कि जो बच्चे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम से पहले पहले तैयारी करना चाहते हैं, तो इन पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं, 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप डिस्काउंट लेकर के इन पीडीएफ को इजली तैयार कर सकते हैं। और सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के, सॉरी अदर सब्जेक्ट को नहीं, फिलहाल अभी हम हिंदी की तैयारी कराएंगे। तो
चैनल के साथ जरूर जुड़ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।